रामनवमी के अवसर पर दुर्ग शहर महिला कांग्रेस द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर विधायक अरुण मोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति ने शामिल होकर पैदल मार्च किया। शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कन्या ढीमर के नेतृत्व में गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर दुर्ग के पंचमुखी हनुमान मंदिर से भव्य पैदल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल होने दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, आर्यन वर्मा व मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद शामिल हुए। यह महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कन्या ढीमर ने शोभा यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राम किसी एक पार्टी के नहीं, वो सभी के राम हैं। इसी के साथ रामनवमी पर निकाली शोभा यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से निकलकर शहर भ्रमण करती हुई शहीद चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर न्यूज टीम को शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। राम नवमी के अवसर पर महिला कांग्रेस के द्वारा शानदार दूसरा वर्ष है जो राम नवमी मनाया जाता है। राम नवमी पूरे विजय जुलूस यहां से निकाला जाता है, पूरा शहर भ्रमण करता है। हम उस शख्सियत के जन्मदिन मना रहे हैं, राम नवमी मना रहे हैं, जिनको पूरा विश्व पूछता है। प्रभु श्री राम सबके हैं और हम सब प्रभु श्री राम के हैं। उनके आदर्श विचारों को हम आत्मसात करें, उनके मार्गदर्शन पर चलें। उन्होंने मानवता का जो पाठ पढ़ाया है उस पर हम चलें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। आज सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलकर रामनवमी मना रहे हैं। सद्भावना, भाईचारा का संदेश जो प्रभु श्री राम का है उसको आम जन तक फैला। और ये इस तरीका से एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोग जो धर्म के नाम से वफा फैला के जो राजनीति करते ओखर माला ये माला वो माला ये समझाना चाहता हूँ कि धर्म किसी के नहीं हो, धर्म हर कोई के है। व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है, ना किसी पार्टी के नहीं, ये धर्म सभी के है। और यही हम संदेश देना चाहता हूँ। और रामनवमी के ये अवसर में राम जन्म राम सब यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब हम सब एक है और राम भी हमारा ही है। शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो उन्होंने हमें आचरण के द्वारा अपने कर्तव्यों के द्वारा जो संदेश एक मानव समाज के लिए दिया, उसी संदेश को भगवान राम का जो संदेश है कि आपस में भाईचारा और प्रेम है ना, और मर्यादा, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व होता है और उसका पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। और आज हम सब इसी उद्देश्य से भगवान को प्रणाम करते हुए, उसको नमन करते हुए, उनके बताए हुए जो मतलब आदर्श है, मनुष्य को आदर्श जीवन जीना चाहिए अपने, और वो हर समय मतलब प्रासंगिक होता है, चाहे वह परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, हर समय भगवान राम का जो चरित्र है, आदर्श है, मर्यादा है, वह प्रासंगिक है। आज हम सब हमारे महिला कांग्रेस के जो बहन है कन्या ढीमर, उसके नेतृत्व में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज ये उनका दूसरा वर्ष है और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। टेनिस न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।